देख रहा हूं कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। अब गायत्री की तस्वीरें लिपस्टिक में छपी है तो छपी है, इसमें इतना क्या सोचना। तरुण, मैं सोच रही थी कि बड़ी होकर क्या खुशी भी इतनी खूबसूरत होगी। खुशी का तो पता नहीं, लेकिन उसकी माँ बहुत खूबसूरत है। तरुण, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए, तुम ये क्राउन जरूर जीतोगी। और वैसे भी इस प्रेगनेंसी में तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। तरुण, तुम इस प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश हो ना? Of course. इसलिए कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? लेकिन लेकिन तरुण, ये खुशी तो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। मैं माँ हूँ, खुशी की माँ। तो अब तुम खुशी के भाई या खुशी की बहन की माँ बनोगी, ये तो और भी खुशी की बात है। नहीं तरुण, ये खुशी की बात नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तरुण प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम कहो तो सही। कहना इतना आसान होता तो तुम्हें कब की कह चुकी होती। ऐसा क्या है जो कहना इतना मुश्किल है? तरुण, मैं खुशी के लिए अपना प्यार बांटना नहीं चाहती। मतलब? मैं नहीं चाहती कि मेरी कोख से जन्मा हुआ बच्चा खुशी का सौतेला भाई या सौतेली बहन हो। सौतेला? मैं ऐसा नहीं चाहती कि खुशी को ऐसा लगे कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती हूँ और खुशी को कम। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगेगा? ऐसा होता है तरुण, मैं खुशी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती। तो तुम चाहती क्या हो? मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। क्या? तरुण प्लीज। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या क्या सोचने लगती हो। देखो, ऐसी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस खुश रहो। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अंडरस्टैंड? तरुण प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। काजल, मुझे ये बच्चा चाहिए एंड दैट्स फाइनल, ओके? लेकिन अगर खुशी के परवरिश में कोई कमी रह गई तो लोग तो यही कहेंगे कि सौतेली माँ ने उसका नहीं अपने बच्चे का ख्याल रखा।